फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, एंड ये फिल इन द ब्लैंक्स है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या नर्सिंग फाउंडेशन। जैसे कि कुछ एक स्टेट के एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, एंड नर्सिंग फाउंडेशन के ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुर्की किलिंग इज नोन एज डैश, एंड इसका आंसर है यूथनेशिया, जो आपको लास्ट में डार्क कलर में दिखेगा। ये इसके आंसर्स हैं, जैसे कि ये है, ये इसके आंसर्स हैं सभी। तो मैं आपको आंसर्स के साथ ही फिल इन द ब्लैंक्स बताऊंगी। सेकंड है इसमें, व्हेन टेम्परेचर इज हाई इन मॉर्निंग एंड लो इन द इवनिंग इट इज नोन एज इनवर्स फीवर। सेकंड है, डैश इज अ कंडीशन इन विच अ ड्रग प्रिडिस्टिबेट फ्रॉम द सोल्यूशन इफ मिक्सड विद अदर मेडिकेशन। तो इसमें आ जाएगा ड्रग इनकम्पेटिबिलिटी। नेक्स्ट है, द टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर द सीड्स बाथ इज डैश, यानी कि सीड्स बाथ के लिए वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 110 डिग्री से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ BMI, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेट इन केजीज स्क्वेयर ऑफ हाइट इन मीटर। देन सब्सटेंस यूज टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन आर कॉल्ड एंटीडोट्स। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ द मॉइस्ट हीट इज द फॉर्म ऑफ द सॉफ्ट स्पॉन्जी मास इज नोन एज डैश। तो इसका आंसर है पॉलीटिसिस एंड कैटाप्लज्म। नेक्स्ट है, रेशियो ऑफ द स्टार्च एंड द सोडियम बायोकार्बोनेट टू मेक द स्टार्च पोलाइटिस इज 8:1। इसका आंसर क्या है, 8:1। डैश पोजिशन इज गिवन टू रिलीव द टेंशन ऑफ द एबडोमिनल सेचुरल आफ्टर एबडोमिनल सर्जरी, यानी कि कौन सी पोजिशन दी जाएगी, फॉलोवर पोजिशन। उसके बाद आता है ओपनिंग ऑफ अ वेन एंड इंट्रोडक्शन मेडिसिन और फ्लूड इन टू द वेन थ्रू अ ट्यूब इज कॉल्ड द वेन सेक्शन। कैलकुलेशन ऑफ पेडियाट्रिक डोज ऑफ द मेडिसिन फॉर द चिल्ड्रन अबव 1 ईयर ऑफ एज इज डन यूजिंग डैश यंग्स रूल। द नॉर्मल pH वैल्यू ऑफ द ब्लड इज 7.4। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर इज नोन एज इंसुफलेशन। द स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 फॉर द माउथ वॉश इज डैश 1:5000। नेक्स्ट है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड द लिक्विडिटी ऑफ फीकल्स इज कॉल्ड डैश डायरिया। इन्फ्लामेशन ऑफ द गल ब्लैडर इज टर्मिड एज डैश क्लोसोस्टाइटिस। प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन द यूरिन इज टर्मिड एज एल्बुमिनियो यूरिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलस इन द टर्मिड एज अ डैश रिफ्लेक्स। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस इज कॉल्ड डैश असेसमेंट। अ प्लान कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन विद अ पर्पस इज कॉल्ड द डैश इंटरव्यू। मिल्की वाइट कलर ऑफ यूरिन डिनोट कैलोरिया। स्मोकी ब्राउन कलर ऑफ यूरिन डिनोट ब्लड पिगमेंट्स। पिंक कलर ऑफ यूरिन डिनोट प्रेजेंस ऑफ डैश इन यूरिन स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेश ब्लड। नॉर्मल यूरिन इज डैश इन कलर पर्ल येलो। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस विच शो द काइंड एंड क्वालिटी ऑफ द वूल इन टर्म एज स्पेसिमेन। रेडिश ब्राउन कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू डैश यूरो ब्लिनोजन। फीलिंग ऑफ द बॉडी विद द हैंडल टू नोट द साइज एंड द पोजिशन ऑफ द ऑर्गन इज टर्मिड एज द पल्पेशन। एग्जामिनेशन बाय द टैपिंग विद द फिंगर ऑन द बॉडी इज टर्मिड एज डैश प्रिकर्जन। डैश इज द मूविंग ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी टू डिनोट इट्स रिफ्लेक्सिबिलिटी मैनिपुलेशन। डैश इज द टर्मिनेशन ऑफ द नेचर एंड द एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिजीज इज डायग्नोसिस। डैश इज द फोरकास्ट ऑफ द कोर्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ डिजीज इज प्रोग्नेसिस। द लोएस्ट प्रेशर दैट अकर वेन द हार्ट इज एट इट्स
रेस्टिंग पीरियड जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड डैश डायस्टोलिक प्रेशर. द डैश प्रेशर ऑफ द यूरिन ऑफ डैश इन यूरिन इंडिकेट जॉन्डिस बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट. Expulsion of the waste from the body is termed as excretion. Lactic acid is used for the testing urine of albumin. A sudden severe attack of shivering is which of the body temperature rise rapidly is called as cold dash cold storage of rigor. The disease in which rigor is commonly seen is dash malaria. A detailed list of the article in the ward with their specification, standard number and quality is called dash and inventory. The temperature used for the sterilization of autoclave is dash and pressure is dash and 121 degree Celsius temperature hoga. And then next is mein excessive wasting of body tissue is called the phylaxia. The facilitate drainage from the pelvic cavity, the client should be put in dashed position. Trendelenburg. Next, chemical regulation by which body heat is produced is terminated as dash. Thermogenesis. Then part of the teeth are dash and dash, crown, neck and root. Next, obstruction of the flow of the bile produce dash colored stool. Then क्ले, इसका आंसर है क्ले. देन नेक्स्ट है द फोर्स एक्सक्रीटेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेजल्स एज इट फ्लो थ्रू देम इज कॉल्ड डैश ब्लड प्रेशर. हाइएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेजल्स ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर. नेक्स्ट इसमें वाटर हैमर पल्स इज सीन डैश एरोटिक वॉल्व इनकम्पिटेंस. नेक्स्ट है द कंडीशन इन विच द पल्स रेट इज रैपिड ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन स्लो ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन इज कॉल्ड द साइनस एथरिदम. देन द अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉल ऑफ एन आर्टरी एज द वेव ऑफ द ब्लड पास थ्रू इट इज कॉल्ड डैश पल्स. द नेम गिवन टू द ड्रग by its manufactured is called the dash or dash generic name or non proprietary name. Next aata hai isme the name by which a drug is known to the chemist is called the chemical name. In cold sponging the temperature of the water is kept between dash 65 to 90 degree Fahrenheit. The temperature of the water for the tepid sponging to kept between 85 to 100 degree Fahrenheit. Sprinkling of the sodium chloride in the ice bag help to prevent the dash ice melting. Moist heat application in which a medicine is applied locally to the augment the effect of the hot compressed juice is called dash stubs. Expulsion of the stomach content via the esophagus and the stomach is called the dash vomiting. Inflammation of endocardium is called the endocarditis. Inflammation of the kidney is nephritis. Inflammation of the joint is called the arthritis. Inflammation of the sinus cavity is sinusitis. The administration of therapeutic agent outside the alimentary tract is known as perinatal administration. Dash is a planting and putting in the solid drug into the body tissue. Isme aa jayega implementation. The capacity of an individual to excessive dose of drug without producing toxic symptom is called the tolerance. Dash is a peculiar susceptibility of an individual to some drug or protein. इसमें इसका आंसर आ जाएगा आइडियोसाइक्रेसिस. नेक्स्ट है ड्रग विच इंक्रीज द एपेटाइट एंड प्रमोट डाइजेशन और कॉल द डैश डाइजेस्टेंट.
ड्रग दैट चेक हेमरेज इज कॉल्ड द स्टेपिसिस. नेक्स्ट होगा इसमें लैक ऑफ हंगर इज कॉल्ड द एनोरेक्सिया. स्लीपलेसनेस इज नोन एज इंसोनीमिया. And second name of the stomach wash is gastric lavages. And inflammation of kidney is called the nephritis. Full form of AIDS is acquired immune deficiency syndrome. Virus of AIDS is known as human immunodeficiency या फिर virus HIV. The person who take no food may have dash temperature, low temperature. When one side of the body is paralyzed, it is known as hemiplegia या फिर hemiparesis. 101 degree Fahrenheit is equivalent to dash degree Celsius and 101 degree Celsius is equivalent to dash degree Fahrenheit. तो 101 degree Fahrenheit होगा 38.3 degree Celsius के equal and 101 डिग्री सेल्सियस होगा 213.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल. पल्स रेट ऑफ अ 3 ईयर चाइल्ड इज डैश टू डैश पर मिनट 90 to 100 पर मिनट. फॉर्म ऑफ रिप्लेसिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद नॉर्मल न्यूट्रिशन इज नोन एज वेनिंग. विटामिन डैश इज फॉर मेकिंग बोन स्ट्रॉन्ग विटामिन डी. डैश पोजिशन इज preferred in case of heart patient cardiac position. WHO was established in the year of 7th April 1948. The difference between the systolic and diastolic pressure is called the pulse pressure. S dot N means tonight. 1 liter is equal to 100 ml. 101 degree Fahrenheit is equal to 38.3 degree Celsius. Normal respiration rate in adult person is 16 to 20. Respiration rate at birth is dash per minute 26 to 30. Full form of WHO World Health Organization. Dash is used to examine of the rectum is proctoscope. The ideal temperature of water for sponge birth is dash 110 degree Fahrenheit to 115 degree Fahrenheit. Pulse rate more than 130 per minute is called as tachypnea. तो ये थे कुछ important fill in the blanks. तो I hope आपको ये video कुछ helpful होगी. तो आज की video में इतना ही. Thank you for watching guys.